हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो आज मैं फिर सुबह से शुरुआत कर रही हूँ और आज है मंडे। तो आज बेटी मेरी स्कूल नहीं गई है क्योंकि उसका तबीयत थोड़ा सा खराब है। तो देख सकते हैं मेरे किचन में कितना अच्छा सुबह का सूरज आता है ना, बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह की धूप। तो अभी दिखाती हूँ मैं बच्चे क्या कर रहे हैं। बच्चों का तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है आज, क्योंकि शादी में हम लोग गए थे कुछ दिन पहले, आपने तो वीडियो देखा ही होगा। तो वहाँ से आने के बाद बच्चों को लग गई है थोड़ी सी ठंड। तो अभी दिखाते हैं, चलते हैं, बेटी क्या कर रही है दिखाते हैं आपको। बाबू उठ जाओ। तो ये देख सकते हैं ये भी सो रही है, इसका तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। क्या कैसा लग रहा है बेटा? माथा दर्द दे रहा है। ओ रुको। और यहाँ पे रैम्बो है जो बदमाशी करता रहता है। उसे माथा में बहुत दर्द है, रात से ही माथा में उसके बहुत दर्द था। काफी रात तक मैं जगी रही, उसका माथा मैंने दबाया। तो अभी भी बहुत सारा काम है, अभी भी शिफ्ट हुए ज़्यादा दिन हो नहीं रहा, और थोड़ा थोड़ा करके घर पे सामान सरिया रही हूँ। अभी भी देख सकते हैं यहाँ पे कितना सारा सामान बिखरा हुआ है, वो सब मुझे धोना है, साफ़ करना आज धोऊंगी। और कपड़ा वगैरह भी तब से धो रही हूँ, साफ़ हो रहा है। अभी भी थोड़े से कपड़े और बाकी है। और यहाँ भी जब हम लोग आए थे तो बिल्कुल कुछ भी नहीं था, आप देख सकते हैं कितना सारा घर वहाँ भी बन रहा है, बहुत सारे लोग मतलब बनाकर अपने रखे हुए हैं, काम चालू है लोगों का। तो आज स्कूल है बच्चों का, जो कि वो लोग नहीं जाएंगे, तबीयत ठीक नहीं लग रही है। और मैं अभी नाश्ता नहीं बनाई हूँ, बस अभी मैं चाय पी हूँ और फिर देखते हैं क्या बनाना है। ब्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा और वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। देख सकते हैं मेरे होंठ पे भी थोड़ा सा घाव हो गया है, क्योंकि कहते ये जब ना फीवर अंदर रहता है और वो अच्छे से बाहर नहीं निकलता है ना, तो इस तरह से हो जाता है ना, ये बहुत दर्द करता है मुझे, देख सकते हैं बहुत दर्द करता है। तो चलते हैं, अभी थोड़ा अच्छा काम करना, सफाई करनी है और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। रैम्बो देख सकती, ये बहुत बदमाश है, हमारे घर का सबसे बदमाश बच्चा है ये, इसको थोड़ा सा प्यार क्या कर लो, ये बहुत ज्यादा बदमाशी करता रहता है हमेशा। रैम्बो, तो यहाँ पे बच्चों का नाश्ता मैंने तैयार कर दिया है, अभी इसे बच्चे खाएंगे। और यहाँ पे मैं पपीता इसको छीलकर इसे दाल में डालकर बनाऊंगी। क्या हो गया? इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है गाइस, अभी जाऊंगी थोड़ी देर के बाद दवा लेकर आऊंगी इसके लिए, क्योंकि 15 तारीख को इसका प्रोग्राम भी है स्कूल में और अभी ये बीमार हो गई, स्कूल भी नहीं गई। ठीक से भैया को भी बुला के ले जाओ ऋषु। तो अभी बच्चे कुछ खा लेंगे, तो तब तक मैं नाश्ता बना लेती हूँ। मतलब आज चावल तो नहीं बनेगा, बस दाल में डालकर, पपीता को दाल में डालकर बनाऊंगी और रोटी ही बनाऊंगी और कुछ नहीं। जाओ फटाफट खा लो। यहाँ पे मैंने दाल चढ़ा दिया है और यहाँ पे मैं आटा गूंद के उसे ढक कर रख चुकी हूँ। और अभी थोड़ी सी सफाई बाकी है, क्योंकि टेरेस का जो काम हुआ था ना, उसकी वजह से बहुत सारा गंदा मतलब हो चुका है। तो आज मैंने किसी को बुलाया है, उनसे छत भी धुलवाना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना सारा कचरा फैला हुआ है, तो इसे भी साफ करवाएंगे हम। ये सब साफ करवाना है आज मुझे, बहुत ज़्यादा कचरा है। और यहाँ पे लगाएंगे हम कुछ फूल, यहाँ पे मिट्टी देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस मैंने रखा है थोड़े से फ्लावर्स के लिए। और देख सकते हैं बहुत सारा गंदा फैला हुआ है, यहाँ पे इतना सारा कपड़ा मुझे आज धोकर इसे निपटा लेना है।
ऑलमोस्ट घर की सारी जो काम है वो लगभग हो ही चुकी है, बस थोड़ा मोड़ा बचा हुआ है हमारे घर का, वो है पुट्टी, तो वो हम लोग बाद में करवाएंगे, अभी नहीं। तो लगभग सारा काम हो ही चुका है, तो ब्लॉग में इसी तरह बने रहिएगा, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस सारा काम करने के बाद अभी मैं आपसे शाम को मिल रही हूँ, अभी शाम के 5 बज गए हैं और मेरा सारा काम हो गया है, कपड़ा बर्तन सब कुछ मैंने कर लिया है। और उसके बाद अभी देख सकते हैं, अभी हम लोग थोड़ा बस नाश्ता कुछ करेंगे और पढ़ने बैठेंगे, बच्चे बच्चे पढ़ने बैठेंगे क्योंकि कल से इनका एग्ज़ाम है और मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।